हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 8 का ए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है गुणनखंड कीजिए। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। ऐसा सवाल बनाने के लिए हम इसको दो भागों में देखेंगे। एक भाग ये, एक भाग ये। दोस्तों ये जैसे कि एक भाग हम इसमें देखेंगे, एक भाग इसमें, एक भाग इसमें, एक भाग इसमें। ये हमेशा चार पद वाला होगा दोस्तों, हमेशा चार पद, जैसे एक दो तीन चार। ऐसा सवाल बनाने के लिए हमें हमेशा दो भागों में देखना है। इस तरह हम दो भागों में देखेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें और ये दोनों भागों में, इसमें भी m है, इसमें भी m है, इसमें भी सात है, इसमें भी सात है। हम कॉमन निकाल लेंगे, m कॉमन निकाल लेंगे दोस्तों, और कितना बचा, सिर्फ एक m बचा और प्लस प्लस है, उसके बाद n, यहाँ पे n हो जाएगा। n होने के बाद n, उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस दे देंगे, फिर इसको इसमें सात कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ कितना बचा, m माइनस n, और ये माइनस माइनस को इसके साथ गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस m प्लस n, और ये माइनस रह जाएगा, यहाँ पे m प्लस n। आप लोग देखिएगा, अगर आप सही बनाए हैं तब ये वाला और ये वाला सेम मिलेगा, और ये दोनों सेम है दोस्तों, इसमें कॉमन निकाल लेंगे, m प्लस n एक बार लिखेंगे, और एक जो ये कॉमन लिए थे, एक बार जो ये है, एक बार इसके साथ लिख देंगे, m माइनस सात, ये बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह हम ये बनाएंगे, देख लीजिए आप लोग, ये बन के तैयार हो चुका है, और इसके बाद हम ये बनाएंगे, 9ab घटा 6a और 12b घटा 8। इसमें देखेंगे कितना है दोस्तों, कितना कॉमन निकालेंगे, तीन निकालेंगे और a निकाल लेंगे, कितना, तीन तिया ही 9, b बचेगा और घटाओ 3, 3 × 6 2 बचेगा, और इसमें प्लस है, प्लस दे देंगे 12, और यहाँ कितना बचेगा, सॉरी 12 ना होगा, यहाँ पे 4 कॉमन निकालेंगे, कितना बचेगा, 3b घटाओ घटाओ 2 चार दूनी 8। अब ये वाला दोनों सेम मिल गया, यानी मेरा सही बना। ये दोनों में सिर्फ एक बार लिखेंगे, 3b घटा 2 और एक बार ये लिखेंगे, 3a घटा 4। उम्मीद है आप लोग समझ गए, ये मेरा बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह हम ये वाला भी बनाएंगे, इसमें कितना कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकाल लेंगे, 3 निकाल लिए और यहाँ इतना था, 3 निकालिए, से सिर्फ इसमें पी और क्यू बचा, सॉरी लग रहा क्वेश्चन गलत थोड़ा दिखे, एक बार देख लेते बुक में, क्वेश्चन नंबर 3 12, यहाँ पे पी है, इसमें कितना कॉमन निकालेंगे, 3 निकाल लिए, 3 और पी कॉमन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, कितना हो जाएगा, यहाँ सिर्फ क्यू प्लस कितना हो जाएगा, 3 कॉमन निकालिए, 4 हो गया, और घटाओ कितना बचा है, इसमें 2 कॉमन निकालिए, सिर्फ क्यू घटाओ 4 घटाओ 4, और क्यू बोले हैं, ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। अब ये भी सेम है, ये भी सेम, ये दोनों एक बार लिखाएगा, कॉमन निकालेंगे, क्यू प्लस 4 और 3p माइनस 2, इसका ये सही हो जाएगा। इसी तरह हम ये अब बनाते हैं, इसमें कितना कॉमन निकल जाएगा, इसमें एक कॉमन निकल जाएगा, एक कॉमन निकाल लिए, 2a प्लस 3 बचेगा, और इसमें माइनस कितना कॉमन निकल जाएगा, b निकल गया, कितना बचा, 2a माइनस b निकालने कॉमन, 3 बचा, और ये माइनस क्योंकि प्लस हो गया, 2a प्लस 3 एक बार लिखेंगे, b माइनस a लिख देंगे, ये मेरा बन के तैयार हो गया। अब इसी तरह ये बनाते हैं, m माइनस m,
इसमें m कॉमन निकालिए, m कॉमन निकालेंगे कितना बचा, m प्लस टू एम, और इसमें कितना कॉमन निकालेंगे, माइनस में, माइनस में थ्री एम, कितना, सॉरी ये भी क्वेश्चन लग रहा गलत है, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। कितना नंबर है, ई नंबर का क्वेश्चन, ई नंबर का क्वेश्चन, एम स्क्वायर प्लस टू एम एन है यहाँ, एम एन और थ्री एम माइनस थ्री एन है, थ्री सिक्स एम यहाँ पे एन है, यहाँ पे कितना एम निकालिए कॉमन, तब सिर्फ यहाँ कितना बचा है, एन बचा हुआ, और यहाँ पे थ्री यहाँ पे कितना कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे थ्री कॉमन निकालेंगे, एम माइनस एम माइनस टू एन, ये और ये सेम है, इन दोनों में कॉमन एम, इन दोनों में दो बार ये लिखेंगे एम प्लस टू एन, और एक बार ये एम माइनस थ्री। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ये और दो तीन हिसाब और बचा है, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए, नहीं तो हम अगले वीडियो में बना देंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।